महराजगंज जनपद के बरगदवा थाना क्षेत्र के नारायणपुर के कोटेदार का एक बार फिर मामला सामने आया है। दरअसल मामला यह है कि नारायणपुर कोटेदार ने किसी अज्ञात युवक को 35 लीटर मिट्टी का तेल देकर बरगदवा में ब्लैक करने को कहा था और वह लड़का तेल लेकर बरगदवा की तरफ चल पड़ा था। तभी रास्ते में ग्राम प्रधान के लड़के ने उसको पकड़ कर पूछताछ शुरू कर दी, तो लड़के ने बताया कि यह तेल नारायणपुर के कोटेदार का है। मामला बरगदवा थाने पर आया तो सप्लाई इंस्पेक्टर ने जांच में पाया कि है कोटेदार का ही है और उस पर उचित कार्यवाही कर मामले को आगे भेज दिया और गांव वालों को सांत्वना दी है कि इस पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। सर, नारायणपुर ग्राम सभा में जो कोटेदार द्वारा वो पकड़ा गया, तेल पकड़ा गया, उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसमें जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई व्यक्ति है, सोमोग्रारी करके नाम है, वो जो है बलैया उनका कोई रिश्तेदारी था, वहाँ वो गए हुए थे, वहाँ कोटेदार ने उनको 35 लीटर लगभग तेल दिया था कि आप बरगदवा पहुंचा दो, जिसे मंगलापुर के पास पकड़ लिया गया है। वो पकड़ा गया, थाने पे उसको बुलाया गया था, व्यक्ति को उसके बयान लिया गया और उसके आगे अग्रिम कार्रवाई के लिए जो है रिपोर्ट भेज दी गई। अच्छा सर, बयान में क्या उस लड़के ने कहा है कि सुरेश कोटेदार का है? हाँ, उसने कहा था कि हमको दिया गया लाके कि इसको पहुंचा देना। अच्छा। उन्हीं के द्वारा, कोटेदार द्वारा। महराजगंज से अरुण कुमार गिरी की रिपोर्ट। पूरा मामला थाना शमशाबाद के मोहल्ला चौखंडा का है, जहां राम लड़ैते यादव पप्पू यादव पुत्र फकीरेलाल यादव का कुछ समय से ब्रह्मानंद यादव नरसिंह यादव पुत्र बेदराम यादव से जमीनी विवाद चल रहा था, जिस पर कहासुनी हो गई। वे घर की महिलाएं और लड़कियों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में पड़ोस में रहने वाला भिखारी सक्सेना अपने घर में बैठा था, वह मारपीट में बीच में आ गया, जिसे गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल भिखारी सक्सेना को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमशाबाद लाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। हालत गंभीर होने पर अधिकारी सक्सेना को राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। क्या नाम है देवर का? अजीत सिंह। तो जे आए रहे अपने खेतों की तरफ से रहे, इन्होंने यहाँ मार ईटन गिरा दिया इनको, और जर्रा मीटर चले, हम लोगों ने ये बात नहीं बताती। ₹10,000 जेब मैया पड़ो, मोटरसाइकिल चाबी और सब उनके उनके लगे ईटा सब गायब होते रहे। ये बात बता रहे कि खेत की है बात? हाँ, खेत खुला पड़ा है, लेकिन आप खेत में मेरी सरसों गई और सरसों अभी काट के नहीं ला रहे, सरसों मेरी भाई हली जा रही, सरसों काट के नहीं अभी ला रहे, सरसों वहाँ खड़ी है। अब इनने अपने हमारे जो खेत लय है जी वहाँ पर इनने आलू करे, इनने खोद ही डाले। कहीं से उठाया आप? जल्दी करो, चलने आइयो। क्या नाम है चाचा? भिखारी डाल। पिताजी का नाम? परमेश्वरी। कहाँ रहते हो? चौखंडा मोहल्ला। क्या हुआ जी, कैसे लग गई चोट? ये यादवों में आपस में उसके खेत के चक्कर लड़ाई चल रही थी और उनमें शाम को आज हो गई कुछ, तो वो ईंट पत्थर चलने लगे, हमारा दरवाजा वहीं पे दोनों के बीच में पड़ गया था। अच्छा। तो उधर से वो चला रहे थे, इधर से दूर चला रहे, उन लोगों की उत्तर साइड वालों की देख हमारे लगी आके जो दो मंजिल मकान है। हाँ। उन्होंने मेरे सामने वाली बार कुत्ते का उत्तर साइड वालों की। हाँ, लड़ाई थे कहीं मकान लड़ाई थे, पप्पू को बालू डालता है पप्पू जो। अच्छा, दूसरे पक्ष का क्या नाम? दूसरे पक्ष का क्या नाम है? लड़ाई थे पप्पू और एक एक का है नरसिंह, जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा पक्ष है नरसिंह ब्रह्मानंद और ये है और है अन्य लोग, अन्य है घरी वाले परिवार। फरुखाबाद से निहाल जमा खां के साथ सुआलाल यादव की रिपोर्ट।